आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। बारह बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं अभी तक के अहम सुर्खियों का। वादी के मुतदद इलाकों में NIA की कार्रवाई। जनूबी और शुमारी कश्मीर के कई मकामात पर छापे। छापों के दौरान तलाशी और अफराद खाना से पूछताछ। कई अहम दस्तावेजात और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जब्त करने का दावा। वादी के बगैर मीटर वाले इलाकों में बिजली फीस में हो सकता है इजाफा। सार्फीन को बिजली के नरकों में 15% इजाफे का करना पड़ेगा सामना। कश्मीर में तकरीबन 7 लाख गैर मीटर वाले बिजली सार्फीन पर होगा बिजली फीस का इजाफा। चार नकाती एजेंडा। लद्दाख के नुमाइंदों और मरकजी सरकार के माबेन तबादले ख्याल। 5 माह के वक्फे के बाद हुई मीटिंग। मामले पर दूसरी मुलाकात का ऐलान मरकज की जानिब से किया जाएगा। वजारत की यकीन दहानी। और अब पेश है खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर NIA की जानिब से, जहां पर वादी के मुतदद मकामात पर NIA की छापामारी है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने मिलिटेंसी फंडिंग केस में आज वादी में कई मकामात पर छापे मारे। जराय का कहना है कि ये छापे वादी कश्मीर के बारामूला और शुपियां अजला में मारे गए हैं। छापों के दौरान NIA के अहलकारों के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF के अहलकार भी मौजूद थे। जराय का मजीद कहना था कि ये छापे अप्रैल 2021 में मारे गए चतरी गांव शुपियां के मिलिटेंट आसिफ अहमद गनाई के घर पर मारे गए हैं। जराय का मजीद कहना है कि NIA ने शुमाली कश्मीर के बारामूला के शेरबाग इलाके में भी कयूम अहमद गनाई नामी शख्स के घर पर भी छापे मारे हैं। और माना जाता है, जो जराय के हवाले से खबर आ रही है, कि शुपियां में जो आसिफ अहमद नामी जो मिलिटेंट जो साल 2021 में उनकी हलाकत हुई थी, उनके रिश्तेदारों को, उनके भाई को भी हिरासत में लिया गया है पूछताछ के लिए। और साथ ही साथ ये भी जराय के हवाले से खबर आ रही है, कुछ मोबाइल फोन्स और दीगर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी जब्त किए गए हैं। ताहम इस हवाले से अभी तस्दीक होनी बाकी है। शुमाली कश्मीर के बारामूला में भी इसी तरह की खबर मौसूल हो रही। वहां पर भी एक घर पर छापा मारा गया है, जिस दौरान अफराद खाना से पूछताछ की जा रही है, कुछ अहम दस्तावेजात जब्त करने का दावा किया जा रहा है। नाजरीन, आपको बताते चले कि आज सुबह NIA की जानिब से वादी कश्मीर के शुपियां अजला के अंदर, चित्रगाम शुपियां के अंदर ये छापे मारे गए हैं। और माना जाता है कि साल 2021 में आसिफ अहमद गनाई नाम मिलिटेंट, जो कि साल 2021 में एक एनकाउंटर में उनकी मौत हुई थी, उनके घर पर ये छापा मारा गया है, जहां पर उनके भाई से पूछताछ की गई है और दीगर जो अफराद खाना है उनसे भी पूछताछ की गई है, जबकि उन्हें हिरासत में लिया गया है। और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, कुछ मोबाइल फोन्स भी जब्त किए गए हैं उनके घर से, उनके भाई से कुछ मोबाइल फोन्स भी जब्त किए गए हैं। ताहम इस हवाले से अभी तस्दीक होनी बाकी है। इस खबर पे तफसीलात के लिए हमारे साथ शुपियां से इरशाद अहमद जुड़ चुके हैं, और साथ ही साथ बारामूला से भी इरशाद अहमद भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले शुपियां चलते हैं इरशाद के पास, शाह इरशाद के पास। इरशाद, जरा अपडेट कीजिएगा, शुपियां के अंदर क्या कुछ अपडेट है? क्या छापामार कार्रवाई खत्म हुई है या किसी की गिरफ्तारी हुई है? देखिए गौहर, अगर हम बात करें इस छापामार कार्रवाई की, आज सुबह 6 बजे जो है NIA की टीम शुपियां जैनबपुरा, जो कि एक हसास एरिया माना जाता है मिलिटेंसी के हवाले से, आज तक की बात करें तो वहां पे एक गांव है चित्रा गांव कलान, वहां पे एक एक्स मिलिटेंट जो है आसिफ अहमद गनाई, जिसने जो है 2017 में जो है सफू में मिलिटेंट सफू में ज्वाइन किया था, आज जो है 2021 में ये जाम बाक हुआ, उसी के घर पर ये छापामार कार्रवाई शुरू कर दी गई है। और वहां से जो 2 फोन और एक डेयरी जो है NIA की हाथ लगी है। और अगर हम बात करें उसकी जो बहन और उसके जो 2 भाई, उनको भी जो है NIA की जानिब से उन्होंने अपने साथ लिया है। फिलहाल मैं आपको बता दूं, ये जो पूरी फैमिली है बिल्कुल इस वक्त जैनापुरा पुलिस स्टेशन में इस वक्त जो है पूछताछ चल रहा है। और मैं आपको बता दूं, हालांकि अगर बात करें जो मिलिटेंट मारा
काउंटर में मारा गया था और आज उसी के घर पे ये छापा मार कार्रवाई शुरू कर दी गई है एनआईए की जानिब से। जी गावर शाह इरशाद, जरा ये भी बताएगा क्या ये कार्रवाई खत्म हुई है या कि अभी भी ये कार्रवाई चल रही है? तो जिस गांव में ये एनआईए की टीम पहुंची उस इलाके से बिल्कुल जो है एनआईए की टीम निकल जा चुकी है और हालांकि जो फैमिली उनके पास है पूछताछ के लिए जो जैनापुरा पुलिस स्टेशन है वहां पे उसकी जो फैमिली है उसको रखा गया है, पूछताछ बिल्कुल अभी भी जारी है। इरशाद आप हमारे साथ बने रहे, जरा बारामूला चलते हैं इरशाद भट्ट के पास। इरशाद जरा अपडेट कीजिएगा, बारामूला के इलाके में भी ये कार्रवाई की गई है, क्या कुछ तफसीलात है? देखिए गवर, अगर हम शुमाली कश्मीर के बारामूला के कई इलाकों की बात करें जहां पे आज अलसबा यानी कि लाइट आने के बाद जो है एनआईए की तरफ से जो छापामार कार्रवाई के दौरान कुछ दस्तावेज और कुछ मोबाइल फोन जो है वो रिकवर किया गया है। चाहे हम साउथ कश्मीर के साथ साथ नॉर्थ कश्मीर के जो गंडी बेल्ट है वहां पे भी ये कार्रवाई अमल में लाई गई और इसके साथ साथ देखा जाए जो कि मोहम्मद मकबूल शेख बताया जाता है ये नानवाई है और इसका जो बेटा है उसको जो है इस एनआईए की तरफ से जो है अपनी तावील में लिया है और देखा जाए उनको जो है फिलहाल अपने हिरासत में लिया है, फिलहाल जो है पूछताछ की जा रही है। क्या कुछ वहां पे जो है रिकवर होगा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा और इसके साथ साथ बारामूला के जो नजदीकी इलाके हैं यानी कि हम यहाँ से कायरबाग इलाके की बात करें क्योंकि वहां पे भी आज एक कार्रवाई के दौरान जो है शमीमा नामी जो लेडी है हालांकि उसको जो है अपने हिरासत में उस वक्त लिया गया और इसके साथ साथ वहां पे भी एक मोबाइल फोन के साथ साथ कुछ दस्तावेज जो है वो रिकवर किए गए और ये बताया जाता है ये नूर इस्लाम जो कि स्कूल है वहां पे ये पियान के बतौर जो है ये काम कर रही है और इसी के घर पे जो है छापामार कार्रवाई की गई और इस वक्त जो है ये कंडी बेल्ट में जो ये कार्रवाई है ये लगातार जारी है क्योंकि अभी थोड़ी देर के बाद जो है पूरा खुलासा जो है सामने आएगा, एनआईए की तरफ से जो प्रेस रिलीज वो सामने आएगा उसमें जो है पूरा खुलासा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद अहमद, दोनों आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शाह इरशाद शुपयान से तफसीलात फराम कर रहे थे, उसके साथ साथ ही इरशाद भट्ट बारामूला से तफसीलात फराम कर रहे थे जहाँ आज अलसुबह ही एनआईए की जानिब से ये छापामार कार्रवाई की गई है और शुपयां के अंदर जो चित्रगाम शुपयां का इलाका है वहां पर जो मिलिटेंट साबिक मिलिटेंट जिनकी 2021 में वो जांबाग हुए थे उनके घर पर भी ये छापामारी हुई है और अब माना जा रहा है कि उनके भाई से पूछताछ की जा रही है और साथ ही साथ उनके भाई से जो मोबाइल फोन है वो फिलहाल पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया है। उसके साथ साथ ही उन्हें पुलिस स्टेशन बुलाया गया, तलब किया गया और उनसे अभी पूछताछ हो रही है और इसी तरह की कार्रवाई शुमाली कश्मीर के बारामूला में भी अभी भी लगातार जारी है और एनआईए टीम के हमरा सीआरपीएफ और पुलिस एहलकार भी मौजूद थे। और अब बात करेंगे वादी कश्मीर के अंदर बिजली के हवाले से। वादी में बिजली बहरान पर काबू पाने के लिए जहां एक तरफ केपीडीसीएल ने बिजली चोरी को रोकने के लिए एक खसूसी मुहिम शुरू की है वही अब बाहर से बिजली फरोख्त करने के साथ ही वादी कश्मीर के बगैर मीटर वाले सार्फिन को अब बिजली के नरखों में 15% इजाफे का सामना करना पड़ सकता है। कश्मीर में तकरीबन 7 लाख गैर मीटर वाले बिजली सार्फिन को मुतासर करने वाले एक इकदाम में ज्वाइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने वादी कश्मीर में बिजली के सार्फिन को दो किस्मों में तकसीम किया है, मीटर्ड और गैर मीटर्ड सार्फिन। मीटर वाले इलाकों के लिए JERC ने इब्तदाई तौर पर बिजली के नरखों में 15% इजाफे की मंजूरी दी थी, ताहम पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने मुदाखलत करते हुए 15% बिजली ड्यूटी जो है वो माफ कर दी है जिससे मीटर वाले सार्फिन के लिए बिजली के नरखों में किसी भी अमली इजाफे को मुअसर तरीके से यानी कि वहां पर जो मीटर वाले इलाके हैं उन्हें बिजली फीस में कोई इजाफा नहीं किया जाएगा। लेकिन अब माना जाता है कि जो नॉन मीटर इलाके हैं जहां पर अभी मीटर नहीं लगे हैं वहां पर बिजली सार्फिन को 15% का इजाफा किया जा रहा है और वादी कश्मीर में एक अंदाजे के मुताबिक 11 लाख बिजली के सार्फिन हैं जिनमें से 65% गैर मीटर वाले हैं और बाकी जो मीटर वाले हैं यानी तकरीबन 7 लाख सार्फिन को बिजली के नरखों में इस इजाफे का सामना करना पड़ेगा। JERC ने इब्तदाई तौर पर गैर मीटर वाले इलाकों के लिए बिजली के नरखों में 100% इजाफे की तजवीज पेश की थी। इस खबर पे तफसीलात के लिए हमारे साथ है सईद इरफान फाजिल। इरफान जरा अपडेट कीजिएगा, ये जो खबर आ रही है कि जहां पर अब नॉन मीटर इलाके हैं वादी कश्मीर के अंदर
अब माना जाता है कि 15% का उनमें बिजली जो टैरिफ है, बिजली फीस है, उसमें इजाफा किया जा सकता है आने वाले वक्त में। जहां तक बिजली के हवाले से मैं बात करूंगा, बिजली का जो मामला है वादी कश्मीर में इस वक्त काफी ज्यादा यानी अरूज पर है। ओवरऑल अगर हम देखेंगे एक साइड से बिजली जो है बहुत कम फराम की जा रही है, दूसरी जानब अगर देखा जाए जिन एरियाज को बिजली मिलनी चाहिए वहां मिल नहीं पा रही है, क्योंकि मीटर्ड एरियाज की अगर मैं बात करूंगा जो लोग ऑलरेडी एक अच्छा खासा पैसा जो है जिसकी अदायगी करते हैं, मगर उसके बावजूद भी वहां पर जो है पावर की कर्टेलमेंट है। मगर जहां पर बिजली मीटर्ड अभी नहीं लगाए गए हैं यानी स्मार्ट मीटर्स नहीं लगाए गए हैं, वहां पर अब खबर आ रही है कि जहां आने वाले टाइम में 15% जो है हाइक होगा, खास तौर पर बिजली को फीस को लेकर। मगर मामला बिजली के हवाले से देखा जा रहा है और बिजली को ठीक करने की बात की जा रही है, क्योंकि आने वाले टाइम में जो मेगावाट्स के हवाले से जो पावर की खरीदारी या पावर के जो मामला बन रहे हैं जिसको जोड़ने के लिए सरकार जो है आगे बढ़ रही है और अब खरीद भी चुकी है और आने वाले टाइम में लोगों को फराहम भी करना चाहती है। मगर साथ ही साथ जहां तक नॉन मीटर्ड एरियाज है वहां पर आप देखिए वहां पर कई सारे और भी मामला है, न बल्कि बिजली के साथ साथ अगर देखा जाए हुकिंग के मामला है या कुछ ऐसे जहां गैर कानूनी तौर पर बिजली का इस्तेमाल किया जाता है जिस पर सख्त से सख्त कार्रवाई आजकल यहां डिपार्टमेंट भी कर रहा है, कई सारी छापामार कार्रवाई भी की गई है। मगर जहां तक बिजली के साथ साथ बिजली की अदाई की है, कई सारे ऐसे डिपार्टमेंट है, बड़े कमर्शियल हाउसेज है या कई सारे ऐसे जहां लोग हैं जिन्होंने बिजली की अदाई की काफी टाइम से नहीं की गई है और जिनका जो डिपार्टमेंट के एंड से अगर देखेंगे जो जिनका मानना है कि आने वाले टाइम में उनके नाम भी जो है अनाउंस। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सईद इरफान फाजिल, आपका तफसात फराम कर रहे थे। जहां पर अब माना जाता है कि जो नॉन मीटर्ड इलाके हैं, नॉन मीटर्ड जहां पर मीटर नहीं लगे हैं वहां पर 15% बिजली फीस का इजाफा हो सकता है आने वाले वक्त में। अब क्या कुछ इस पे अमल होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि जिस तरह से बिजली की किल्लत है, बिजली का बहरान वादी कश्मीर के अंदर चल रहा है, दूसरी तरफ से मुतलका महकमे की जानब से कई जो खसूसी मुहिम वो भी शुरू की गई है बिजली चोरी को रोकने के लिए, जहां पर मीटर को बाईपास करने के साथ साथ जो हुकिंग की जा रही है उसको रोकने के लिए कई अहम इकदाम भी उठाए गुज़िश्ता माह मुतलका महकमा की जानिब से। अब माना जाता है कि अब 15% बिजली फीस में इजाफा किया जा सकता है उन इलाकों में, उन सार्फीन को जहां पर अभी मीटर नहीं लगे हैं। मरकज के जेर इंतजाम इलाका लद्दाख की सियासी और समाजी नुमाइंदों के एक वफद ने गुज़श्ता रोज़ दिल्ली में वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर दाखला नित्यानंद राज से मुलाकात की है। छठा शेड्यूल पार्लिमानी नुमाइंदगी रियासत का दर्जा और PSC गजटेड रूल्स एजेंडे के इन चार नकात में शामिल थे जिन पर लद्दाख के 14 रुकनी वफद ने मीटिंग के दौरान वज़ीर मुमलिकत के साथ तबादले ख्याल किया है। याद रहे कि इजलास 5 माह के वक्फे के बाद हुआ है। LBA, KDA और मरकज की अपनी आखिरी मीटिंग 9 जून 2023 को हुई थी। वफद का कहना था कि वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर दाखला नित्यानंद राय के साथ मीटिंग हुई है और उन्होंने इस वफद से सब्र तहमुल से उन्हें कहा है कि जो वफद हैं उनके मुतालबात भी सुने हैं और अब मरकज के साथ जल्द ही बातचीत का अगला दौर होगा। इस हवाले से उन्होंने यकीन दहानी दी है और उन्होंने कहा है कि वफद की जानिब से जो मुतालबात उनके सामने रखे गए हैं उन्होंने तमाम मुतालबात को सुना लेकिन कोई रद्दअमल नहीं दिया है और इस मामले पर अब जो दूसरी मुलाकात है वो मरकज की जानिब से उसका ऐलान बहुत जल्द किया जाएगा, इस हवाले से यकीन दहानी की गई है। याद रहे कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मरकजी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर को 2 मरकजी इंतजाम इलाकों में तकसीम किया और लद्दाख को एक नए मरकज के जेर इंतजाम इलाके के तौर पर कायम किया। इस फैसले से करगिल के लोगों को दुख हुआ, वहीं लेह के इलाके के लोगों ने मरकज के इस इकदाम पर खुशी का इजहार किया था। तहम मरकज के जेर इंतजाम इलाका बनने के बाद लेह और करगिल ने मिलकर अपने देरीना मुतालबात के लिए मरकज पर दबाव डालने के लिए कई एहतजाजी मुजाहरे भी किए थे।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के बानी और साबिक वज़ीर-ए-आला शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की आज 118वीं यौमे पैदाइश मनाई गई है और आज उसकी यौमे पैदाइश के सिलसिले में इस दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दरगाह हजरत बल में डल झील के किनारे पर वाका शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के मजार पर एक फातिहा खानी तकरीब का एहतमाम किया। मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के 118वीं यौमे पैदाइश पर उनके मकबरा वाका नसीम बाग हजरत बल में सख्त सर्दी के बावजूद कारकुनान नेशनल कॉन्फ्रेंस के और उसके साथ साथ ही मुख्तलिफ सियासी समाजों दीनी जमातों के नुमाइंदों ने शिरकत की। पार्टी के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला उसके साथ साथ ही नायब सदर उमर अब्दुल्ला क्योंकि फारूक अब्दुल्ला इस वक्त दिल्ली के अंदर मौजूद है, उसके साथ साथ ही दीगर जो पार्टी लीडरान हैं जिनमें जो उमर अब्दुल्ला के अलावा दीगर जो लीडरान हैं वो भी इस पर मौजूद थे। मरहूम के मजार पर उन्होंने इज्तिमाई फातिहा खानी की जिसमें पार्टी के सदर नायब सदर के अलावा जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर, मामिन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शेख मुस्तफा कमाल और सूबाई सदर नासिर असलम वानी के अलावा दीगर लीडरान जिला और ब्लॉक सदूर ने भी फातिहा खानी की और गुलबारी में शिरकत की, जबकि यूथ और खवातीन विंग के लीडरान भी इस मौके पर मौजूद थे। जब रियासती इलेक्शनों में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ता है तो उस वक्त ये कहते हैं कि ये मरकजी इलेक्शन नहीं है, ये सिर्फ रियासत के इलेक्शन है, इनका कोई असर सेंटर के इलेक्शन में नहीं पड़ेगा। लेकिन जब वो जीतते हैं तो अचानक कहते हैं कि ये मोदी साहब की कामयाबी है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की कामयाबी है। क्या ये सेमीफाइनल है या नहीं है, इसका अंदाजा आप 5 साल पहले से कर सकते हैं। 5 साल पहले कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में भी जीता, राजस्थान में भी जीता, मध्य प्रदेश में भी जीता, लेकिन जब पार्लियामेंट इलेक्शन हुए तो तीनों में कांग्रेस ने हार का सामना किया। इस बार पार्लियामेंट इलेक्शन क्या इन्हीं रियासतों के इलेक्शन के पैटर्न पे होगा या नहीं, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा। क्या नहीं सकते, आपके म्युनिसिपैलिटीज एक एक करके खत्म हो गए, म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन हो नहीं रहे, असेंबली का ये कहां से दावा कर रहे हैं। रही बात नंबरों की, अपने तरफ से ये पूरी कोशिश कर रहे हैं। आज भी होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट में बिल इंट्रोड्यूस किया है जिसमें 3 सीटों पर रिजर्वेशन और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब उनको नॉमिनेट करेंगे। इससे पहले भी नॉमिनेशन से सीट भरी गई है जम्मू कश्मीर में, लेकिन वो इलेक्शन के बाद इलेक्टेड गवर्नमेंट ने उनको नॉमिनेट करने का काम किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को नॉमिनेशन का इख्तियार देना ये इस बात का सबूत है कि बीजेपी वाले जानते हैं उनको नंबर मिलेंगे नहीं, तो नॉमिनेशन के जरिए वो थोड़ा बहुत अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कैन वी एक्सपेक्ट इलेक्शंस हियर इफ द सिचुएशन इज नॉर्मल? एक्सपेक्ट तो हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं, आप एक्सपेक्ट करिए, हम भी एक्सपेक्ट करेंगे, लेकिन हमारे एक्सपेक्ट करने या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी वाले जो हैं वो लोगों का सामना करने के लिए तैयार नहीं है, ये सीधी सी बात है। इज इट ट्रू दैट बीजेपी विंस द कांग्रेस इज दे आर गोइंग सुप्रीम कोर्ट? भाई दे आर नॉट सैटिस्फाइड अबाउट दिस रिजल्ट। हु इज नॉट सैटिस्फाइड? कांग्रेस। इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द सुप्रीम कोर्ट दे नीड टू एनालाइज द रीजंस, बिकॉज सम पीपल सॉ द राइटिंग ऑन द वॉल अर्लियर। I will share with you, I have a member parliament BJP friend who 2 months ago told me that BJP is winning in Chhattisgarh. Main us waqt hansa, main socha na ab ye kya baat kar rahe hain, kyunki Chhattisgarh BJP ko dene ke liye koi taiyar nahi tha. Lekin 2 mahine pehle mere ek sansad BJP ke dost hain, unhone kaha ki Chhattisgarh mein wo jeetne wale hain, to agar unko pata tha to Congress ko kyun nahi? Ab Supreme Court chhodiye, तमरहामा चंगबर्ग से 11 साल का बच्चा जुबेर अहमद बागरी कल से लापता है, जिसको लेकर अब उनके घरवाले और रिश्तेदार काफी परेशान हैं। उन्होंने अवामुन्नास से अपील की है कि अगर किसी को जुबेर अहमद के बारे में कोई जानकारी हो तो अजराह इंसानियत पुलिस स्टेशन कुंजर या उनके घरवालों से राबता करें। हमारा जो भांजा है वो कल यहाँ से निकला था दारुल उलूम के लिए और अपने एक रिलेटिव ने उसको कुंजर में छोड़ दिया। वो तो रोज़ जाता था, जबीर अहमद मागरे उसका नाम है, सना फयाज़ अहमद मागरे। वो कल घर से निकला और कुंजर पहुंचा, अपने एक पड़ोसी ने उसको कुंजर में छोड़ दिया। कुंजर से तब कल 11 बजे से वो लापता है और कल दिन में हमने ढूंढा है, पूरा दिन
तो उधर दारुल उलूम भी पहुँचे हैं तो वहाँ तक हमें कोई पता वता नहीं इनके। हम घर वाले बहुत परेशान हैं, खासकर इसका बाप जो मेरे साथ है वो भी परेशान है। इसलिए हम पूरे जम्मू कश्मीर के आवाम को गुजारिश करते हैं कि जहाँ भी ये बच्चा, जो मेरे पास फ़ोटो है, जहाँ भी बच्चा ये मिलेगा प्लीज़ हमसे राबता कीजिए। मेरा नंबर है 9797104045। प्लीज़ बराए करम। ज़िला तरक्याती कमिश्नर डोडा डॉक्टर हरविंदर सिंह ने बदरवा के दरीचा पंचायत में हेल्थ एंड वेलनेस सब सेंटर का इफ्तिताह किया है। इस मौके पर उनके हमरा चीफ मेडिकल ऑफिसर एडीसी बदरवा और दीगर अफसरान के अलावा अवामी नुमाइंदे भी मौजूद थे। इफ्तिताह करने के बाद डिप्टी कमिश्नर ने तिबी सेंटर के अंदर तमाम कमरों का मुआयना किया, सहूलत के बुनियादी ढांचे और सलाहियतों का जामिया जायजा यकीनी बनाया। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि ये अच्छी सेहत और इस गांव के आम लोगों के लिए एक कदम है और इंतजामे की तवज्जो सेहत पर है और सेहत की सहूलियात से मुतलिक तमाम मसाइल पर काबू पाने की कोशिश करेंगे। ये कोशिश कम्युनिटी की सेहत की देखभाल की जरूरत को पूरा करने वाली सहूलत के मौसर काम करने के अजम की अक्कासी करती है। डिस्ट्रिक्ट डोडा एक दूरदराज की डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे एक जीएमसी नया खुला है जो अभी फंक्शनल है, बट अगेन बिकॉज जो टेरेन है बहुत हिली है तो लोगों के गांव में अलग अलग जगह सरकार हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स सब सेंटर्स खोल रही है। तो आज हम दरेजा में आए थे, यहाँ पे एक सब सेंटर खोला गया है और मैं देख रहा हूँ कि अभी कुछ शॉर्टफॉल्स हैं उस पर हम काम कर रहे हैं ताकि इसे फुली फंक्शनल किया जा सके। ये बिल्कुल गाँव के बीच में है, काइंड ऑफ लोगों के डोर स्टेप पे है, बट देन जो यहाँ पे गलियाँ आती हैं मैंने देखा उनमें थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। बीडीओ साहिबान को डायरेक्शंस दे दी गई हैं, इनफैक्ट वर्क को काम को रखा गया प्लान में, तो इमिडिएटली मुझे लगता है जल्दी से जल्दी ये लेंस वगैरह जो यहाँ तक आने की हैं वो ठीक हो जाएंगी और लोगों को सहूलियत। नाज़रीन इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।